हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आचार्य श्री महाप्रज्ञ के इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस आसिम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हूं इरफान मोहम्मद चीफा, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, और आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम पार्ट सेकंड। और बीकॉम पार्ट थर्ड में सब्जेक्ट सेकंड के अंदर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग, और प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल बिकॉम फाइनल ईयर के एक लेसन है। जो दोनों के अंदर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये लेसन आज हम स्टार्ट करेंगे। ये लेसन आपके बीकॉम पार्ट सेकंड की बुक है अकाउंट सेकंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग, उसके अंदर भी है। और बीकॉम पार्ट थर्ड जिसका एक सब्जेक्ट है आपके प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल, उसके अंदर भी ये लेसन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नाम से। तो ये लेसन आज हम स्टार्ट करेंगे। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हमारे को ये मीनिंग समझना होगा कि एक्चुअल में स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या होता है। स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी प्रमाप डिसाइड करते हैं, स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, अगर हम प्रैक्टिकली अगर हम समझें, एक तरह से पहले इसका हम कंसेप्ट समझते हैं। अगर हम देखें तो जो स्टैंडर्ड होते हैं उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है आपका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और एक होता है आपका पर्सनल स्टैंडर्ड। अब ये क्या होता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और पर्सनल स्टैंडर्ड, तो इसको भी हम समझते हैं। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का मतलब होता है पहले हम इसका कंसेप्ट समझ रहे हैं। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि जैसे माना कि अगर हम एग्जांपल से समझे तो कॉलेज लेवल में अगर माना कि किसी स्टूडेंट्स को पास होना है तो यूनिवर्सिटी ने कुछ नॉर्म्स बना रखे हैं, तो उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर उसके मार्क्स आएंगे तभी वो क्या होगा पास होगा। जैसे अगर हम देखें कि यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो मिनिमम पास होने के लिए 36% मार्क्स कंपलसरी है। अगर किसी स्टूडेंट्स के 36% मार्क्स आएंगे तभी वो पास हो पाएगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। तो एक तरह से ये यूनिवर्सिटी का एक स्टैंडर्ड हो गया। यूनिवर्सिटी ने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि अगर किसी स्टूडेंट्स के 36% मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 100 तो वह अगली कक्षा में जाने के लिए वो एलिजिबल है। जैसे कोई बीकॉम पार्ट फर्स्ट में है तो वो बीकॉम सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाएगा, अगर कोई सेकेंड ईयर में है तो वो फाइनल ईयर में प्रमोट हो जाएगा। यानी कि ये स्टैंडर्ड बना दिया कि कम से कम मिनिमम हमारे को 36% अगर कोई स्टूडेंट्स लेकर के आएगा तभी वो अगली क्लास में प्रमोट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एक तरह से ये यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड हो गया। अगर हम सी ए लेवल की बात करते हैं, सभी यूनिवर्सिटी में या इंडस्ट्रीज़ के अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं। यूनिवर्सिटी का अलग स्टैंडर्ड है, सी ए जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं उसमें अलग स्टैंडर्ड होता है। अगर सी ए की बात करें तो मिनिमम एग्रीगेट अगर हम देखें सभी सब्जेक्ट के अंदर तो वो 50% मार्क्स होने चाहिए। अलग अलग सब्जेक्ट में 40 हो सकते हैं मगर एग्रीगेट जो लेवल है वो आपका 50% होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट्स के पास में 50% मार्क्स नहीं है तो क्या नॉर्म्स बना हुआ है कि वो सीए नहीं बन सकता। अगर 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो वो सीए बनने के लिए एलिजिबल है। ये चार्टेड अकाउंटेंट के जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है उसके नॉर्म्स में शामिल किया हुआ है कि अगर कोई स्टूडेंट्स 50% मार्क्स अचीव करता है तो ही वो चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए एलिजिबल है। तो एक तरह से ये चार्टेड अकाउंटेंट का एक स्टैंडर्ड हो गया कि मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाने होंगे। अगर हम सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में मिनिमम 33%, तो सीबीएसई ने भी अपना एक स्टैंडर्ड बना दिया कि मिनिमम अगर किसी स्टूडेंट्स के 33% मार्क्स आएंगे तभी वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो पाएगा, पास हो पाएगा, अदरवाइज वो
पास नहीं हो पाएगा। एक तरह से ये स्टैंडर्ड फिक्स हो गया। डीयू की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो एक तरह से इन्होंने भी क्राइटेरिया एज्यूम कर रहे हैं कि माने कि 40% है। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है कि अगर कोई स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन पर्पज़ के हिसाब से इसके अकॉर्डिंग अगर उसके मार्क्स आते हैं तो वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो सकता है या नेक्स्ट क्लास में जा सकता है। इट मीन्स ये यूनिवर्सिटी की ये सभी क्या बन गए, एक तरह से स्टैंडर्ड बन गए कि यूनिवर्सिटी या चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रोफेशनली संस्था कोर्स हैं तो अगर उसमें उन्होंने ये स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 100 इतने इतने परसेंट मार्क्स आते हैं तो वो नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए एलिजिबल है। मतलब कि कम से कम इतने परसेंट मार्क्स उसको अचीव करने होंगे। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें तो उन्होंने नोट्स में लिख रखा है कि अगर किसी के 50% एग्रीगेट मार्क्स आते हैं तभी वो सीए बनने के लिए एलिजिबल है। ये फर्स्ट कंडीशन है माना के, तो कम से कम इतने परसेंट मार्क्स आएंगे तब वो सीए बनने के लिए लायक होगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। यूनिवर्सिटी की बात करें तो मिनिमम 36% चाहिए, सीबीएसई की बात करें तो 33% चाहिए। तो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अलग अलग स्टैंडर्ड हो गए। तो ये जो स्टैंडर्ड होते हैं ये आपके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हम बोलते हैं। इन सभी को कौन सा स्टैंडर्ड बोलते हैं हम, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। तो एक होता है आपका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, दूसरा अगर हम बात करें वो होता है एक आपका पर्सनल स्टैंडर्ड। माना कि कोई भी इंस्टीट्यूट है, इंडस्ट्रीज है, उसने आपका स्टैंडर्ड बना दिया कि मिनिमम इतनी इतनी परसेंट आपको मार्क्स लाने होंगे तभी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। मगर मैं अगर यहाँ मेरे स्टूडेंट्स की बात करूँ तो मुझे ये लगता है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो माना कि 36% की बजाय मुझे लगता है कि वो कम से कम 70% मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। तो मेरा ये स्टैंडर्ड बन गया एक तरह से कि यूनिवर्सिटी का अगर देखे उसका नॉर्म्स है, सीए का नॉर्म्स है 50%, सीबीएसई का 33%, डीयू का 40%। तो मगर मुझे ये लगता है कि जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे थोड़ा ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। इट मीन्स मेरा जो स्टैंडर्ड है वो मैंने बता दिया कि वो कम से कम मिनिमम कितने परसेंट मार्क्स ला सकते हैं, 70% मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। तो ये मेरा एक जो स्टैंडर्ड हो गया, ये मेरा जो स्टैंडर्ड कहलाएगा वो कहलाएगा पर्सनल स्टैंडर्ड। अगर कोई स्टूडेंट्स इससे कम मार्क्स लेकर के आता है तो वो डिसएडवांटेज है मेरा, और अगर कोई ज़्यादा लेकर के आता है तो वो एडवांटेज है, दोनों का, स्टूडेंट्स का भी होगा उसमें, ठीक है। तो एक तरह से अगर कोई स्टूडेंट 70% मार्क्स लेकर के आता है या उससे ज़्यादा लेकर के आता है तो मुझे बड़ी हैप्पीनेस होगी, बहुत खुशी होगी। और अगर माना कि अगर 70% से कम मार्क्स लेकर के आता है तो उससे फिर मुझे डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो एक तरह से ये मैंने अपना स्टैंडर्ड बना दिया कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मिनिमम कम से कम 70% मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। अगर हम माने एग्जांपल से समझे इसको कि माना कि किसी स्टूडेंट्स के 72% मार्क्स आते हैं, किसी स्टूडेंट्स के 60% मार्क्स आते हैं, किसी स्टूडेंट्स के 55% मार्क्स आते हैं, किसी स्टूडेंट्स के 80% मार्क्स आते हैं। मेरे सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं एवरेज 70% मार्क्स ला सकते हैं। और अगर हम देखें किसी स्टूडेंट के 72% आए हैं, किसी के 60% है, किसी के 55 है, किसी के 80% है, ये अलग मेरा मैंने अपना पर्सनल स्टैंडर्ड बना रखा, उसमें ये परफॉर्मेंस स्टूडेंट की आती है बाई चांस, ठीक है। तो अगर माना कि ये 72% है, मेरे जो पर्सनल स्टैंडर्ड मैंने अपना बनाया था कि 70% में एक्चुअल में वो ला सकते हैं, और अगर किसी स्टूडेंट के 72% आते हैं, इट मीन्स इसने 2% इंक्रीज़ किया, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, जो मुझे उम्मीद थी उससे भी उसने 2% ज़्यादा अचीव किया। तो ये मेरे लिए क्या है, एक एडवांटेज है, हैप्पीनेस है, खुशी होगी मुझे बहुत। अगर माना कि किसी स्टूडेंट के 60% मार्क्स आते हैं तो इट मीन्स जो 70% का मैंने अपना स्टैंडर्ड डिसाइड किया था तो उससे 10% मार्क्स कमाए,
तो एक तरह से मुझे कम खुशी होगी इससे, तो मैं इसको मोटिवेट कर सकता हूँ कि आप थोड़ी और मेहनत कीजिए, या आपने जो अगर कोई भी कमी है तो उसको दूर करें। तो इसलिए मैंने जो अपना स्टैंडर्ड डिसाइड किया 70%, अगर उससे 60% इसके मार्क्स आ रहे हैं, इट मीन्स 10% उसके जो कम मार्क्स आए हैं, तो जो भी कमी होगी उस कमी के कारणों का हम पता लगाएंगे और उसके बाद में उसको और क्या मोटिवेट कर सकते हैं, उसके क्या किस प्रकार से हम उसको समझा सकते हैं उसके बारे में हम बता सकते हैं, कारणों का पता लगा करके उसके ऊपर कार्यवाही कर सकते हैं। अगर माना कि किसी स्टूडेंट्स की उससे भी और कम मार्क्स आ जाते हैं, 55 माना कि किसी, तो उसको और ज़्यादा मोटिवेट करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। और अगर माना कि किसी स्टूडेंट्स के 55 आए हैं, इट मीन्स इसके 15% मार्क्स कम आए हैं, और अगर किसी के 80% मार्क्स आते हैं, हमने 70 की एक्सपेक्टेशन की थी, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ये 10% और ज़्यादा लेकर के आता है, तो उससे क्या है, मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। और इसका एग्जांपल देकर के मैं और दूसरे स्टूडेंट्स को भी मैं बता सकता हूँ, दूसरे स्टूडेंट्स को भी मैं मोटिवेट कर सकता हूँ जिसके कम मार्क्स आए हैं, उनको एग्जांपल देकर के समझा सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ कि आप भी इतने परसेंट मार्क्स लेकर के आ सकते हो। तो माना कि इनमें जो भी कमी होगी, उन कमी के कारणों का हम पता लगा करके उन्हें दूर करने के लिए हम उनको कह सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से जो हो गया मेरा पर्सनल स्टैंडर्ड हो गया। तो पर्सनल स्टैंडर्ड हमने देखे हैं दो प्रकार के, एक होता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, दूसरा होता है आपका पर्सनल स्टैंडर्ड। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जैसे यानी कि कोई भी यूनिवर्सिटी के जो भी नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने ये देखे हैं, किसी के 36%, किसी के 50% के, किसी के 33% के, अगर मिनिमम इतने परसेंट मार्क्स नहीं आते हैं तो वो नेक्स्ट के लिए प्रमोट नहीं हो सकता है, या जो भी कोर्सेज हैं उसके लिए एलिजिबल नहीं माना जा सकता है। तो कम से कम मिनिमम इतने परसेंट जो मार्क्स लाने होते हैं, एक तरह से वो हमारा स्टैंडर्ड हो गया। और अगर मुझे लगता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो उससे ज़्यादा ला सकते हैं, तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है स्टूडेंट से वो कुछ ज़्यादा है, माना कि 70% ला सकते हैं, तो उस केस में ये जो मेरा स्टैंडर्ड मैंने बनाया है, तो ये मेरा जो स्टैंडर्ड कहलाएगा वो कहलाएगा मेरा पर्सनल स्टैंडर्ड। अब बात आती है कि जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यानी कि स्टैंडर्ड से मैंने डिसाइड कर लिया, यूनिवर्सिटी में मैंने नॉर्म्स बना दिए, और मैंने भी अपना पर्सनल स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया कि माना कि किसी जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे वो 70% मार्क्स लेकर के आ जाएंगे। मगर एक बात ये ध्यान रखने की है कि जो 70% मार्क्स की जो मैंने एक्सपेक्टेशन की है स्टूडेंट से, वो तभी पॉसिबल हो पाएगी जब मैं टाइम पर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करूँगा, उनका टेस्ट लूँगा, एग्ज़ाम लूँगा, उनकी जो भी कमियां होगी उसको दूर करूंगा। स्टैंडर्ड तो बन जाते हैं, मगर उस स्टैंडर्ड का जब कंपैरिजन हम करेंगे, तो उसका जो कंपैरिजन होगा, जो स्टैंडर्ड हमने बनाए हैं उनका मीनिंग तभी निकलेगा जब उसका कंपैरिजन होगा एक्चुअल परफॉर्मेंस से। जब तक उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपैरिजन नहीं होगा, तब तक जो हमने स्टैंडर्ड बनाया है उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा, जो बनाया है वो वेस्ट माना जाएगा। जैसे माना कि हमारे को एग्ज़ाम देने जाना है, सीएससी या यूनिवर्सिटी का हमारे को एग्ज़ाम देना है, तो मैं जा कर के ऐसे एग्ज़ाम दे दिया, कभी कोई टेस्ट लिया नहीं, कुछ लिया नहीं, सिर्फ ऐसे एक्सपेक्टेशन रखी मैंने कि 70% मार्क्स ला सकते हैं, उसके लिए मैंने अगर कुछ भी नहीं किया है, तो फिर वो जो स्टैंडर्ड बनाया है वो स्टैंडर्ड बेकार है, उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा। जब तक उस स्टैंडर्ड को पाने के लिए अगर मैंने कोई भी काम नहीं किया है, स्टूडेंट्स को मैंने मोटिवेट नहीं किया है, स्टूडेंट्स का टेस्ट नहीं लिया है, क्लास में एग्ज़ाम्स नहीं लिए, किसी की कमियों को नहीं देखा है, और उसके बावजूद अगर मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन रखूँ, तो वो बेकार है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना हमारे को कि जो स्टैंडर्ड हमने बनाया है वो स्टैंडर्ड का मीनिंग ही तभी निकलेगा जब तक उसका जो कंपैरिजन है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस से नहीं होगा। अगर जो स्टैंडर्ड आपने बनाया है उसका कंपैरिजन आप एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है उससे करेंगे, तभी उसका मीनिंग निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा, इसका हमारे को खास ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे
ये तो वो हमारे एग्जामिनेशन पर्पज़ के हिसाब से। अब और अगर हम बिज़नेस वैल्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो बिज़नेस का जो हमारा मेन मोटिव जो होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। जो भी हम बिज़नेस करते हैं, अगर कहीं हम काम पे जाते हैं तो हमारे को पता है कि हमारे को सैलरी लेनी होती है, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे को इतनी सैलरी चाहिए, ठीक है। तो उसी भी या फिर हम अगर हम कोई बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस का मेन मोटिव क्या होता है, कि प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो बिज़नेस का जो मोटिव होता है कि हमारा प्रॉफिट कमाना होता है, तो हम जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर चलता है आपका 1 अप्रैल और एंडिंग होती है उसकी नेक्स्ट अगले ईयर में 31 मार्च को, ठीक है। तो जो एक साल तक की फाइनेंशियल ईयर तक की जो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमारे को इतना प्रॉफिट अर्न करना है, तो यही बिज़नेस का सबसे बड़ा मोटिव माना जाता है, ठीक है। तो यानी कि एक तरह से जो प्रॉफिट हमारे को अर्न करना होता है, एक तरह से वो हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, बजट बना दिया हमने कि हमारे को नेक्स्ट ईयर में इतने % प्रॉफिट या इतना प्रॉफिट हमारे को प्राप्त करना है, अर्न करना है, ठीक है। बिज़नेस का मेन मोटिव ही क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। तो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए दो प्रकार से हम समझ सकते हैं, प्रॉफिट कब होगा, जब हमारे पास में कोई रेवेन्यू होगी, जिसको हम बोल सकते हैं सेल्स। जब हम कोई भी माल बेचेंगे तभी हमारे पास में क्या आएगी, रेवेन्यू आएगी। तो यानी कि प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जो फैक्टर है, एक तरह से सेल्स, और दूसरा जो फैक्टर काम आता है वो आता है आपका कॉस्ट। दूसरा फैक्टर क्या आता है, कॉस्ट, ठीक है। जो हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे उसमें से जो माल हमने सेल किया है, रेवेन्यू कलेक्ट किए हैं, तो हमारे लिए उसकी कॉस्ट कितने की आई है, उसमें से इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो हमारे लिए क्या माना जाएगा, प्रॉफिट माना जाएगा। बिजनेस का जो भी मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना होता है, प्रॉफिट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी सेल्स है उसमें से हमारी जो कॉस्ट आती है उस कॉस्ट को हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, जो भी वैल्यू बचती है वो हमारा क्या माना जाता है, प्रॉफिट माना जाता है। कॉस्ट को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, एक है आपके मटेरियल, मटेरियल की कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मटेरियल परचेज करना होता है, उसकी कॉस्ट है। दूसरा आता है लेबर कॉस्ट, और तीसरा आता है ओवरहेड्स, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम ओवरहेड्स में लिखते हैं। ओवरहेड्स में भी हम 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका फिक्स्ड ओवरहेड, और एक होता है आपका वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, यानी कि कॉस्ट के 3 फैक्टर हमने देखे हैं, एक तो मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, ओवरहेड्स हैं। ओवरहेड्स को 2 भागों में हम बांट सकते हैं, एक होता है आपका फिक्स्ड ओवरहेड और दूसरा होता है आपका वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है। तो यानी कि बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमारे को सबसे पहले क्या करना होगा, रेवेन्यू कलेक्ट करनी होगी। उस रेवेन्यू में से हमारे को देखना होगा कि हमारे लिए उसकी कॉस्ट क्या आई है, रेवेन्यू में से जो हमारी कॉस्ट आई है उसको अगर हम लेस करेंगे तो हमारे पास में प्रॉफिट आएगा। कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी, तो उसके 3 फैक्टर हमने देखे हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड्स, और यानी कि जो भी खर्चे होते हैं उसको हम ओवरहेड्स में लिखते हैं। इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स और वेरिएबल ओवरहेड्स, क्लियर। अब अगर हम देखें तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर इनमें किसी में भी कोई चेंजेस आता है तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, प्रॉफिट के ऊपर पड़ेगा। जो भी आपका प्रॉफिट है उसी के ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पेक्ट पड़ेगा। जैसे अगर हम देखें, हम डिसाइड करते हैं जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या जो भी फाइनेंशियल ईयर अगर स्टार्ट होता है, नया साल स्टार्ट होता है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, बजट बनाते हैं, एक तरह से हमारा स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं कि अगले साल में मेरे को इतना प्रॉफिट अर्न करना है,
जैसे हम एग्जांपल से समझें कि नेक्स्ट ईयर में मेरे को कम से कम 50 लाख का प्रॉफिट अर्न करना है। कितने लाख का प्रॉफिट अर्न करना है? 50 लाख, ठीक है। और मेरे को कम से कम सेल करनी होगी 2 करोड़ की, हम सेल करेंगे और हमारी अगर माना कि कॉस्ट आती है 1.5 करोड़, उसमें मटेरियल की कॉस्ट हो गई माना कि 50 लाख, लेबर कॉस्ट हो गई माना कि 50 लाख, एज्यूम कर रहे हैं हम, ओवरहेड्स की कॉस्ट हो गई माना कि 50 लाख, जिसके फिक्स माना कि हो गए आपके 25 और वेरिएबल ओवर से हो गए माना कि 25 लाख। तो ये जो फैक्टर्स थे, ये जो एलिमेंट्स, अगर इनमें से किसी भी एलिमेंट्स में अगर कोई भी चेंजेज आता है तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? प्रॉफिट के ऊपर पड़ेगा आपके। तो प्रॉफिट वो है इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। जैसे किसी इसमें मत समझें कि जो मेरी कॉस्ट आई है, सेल माना कि 2 करोड़ है और कॉस्ट माना कि 1.5 से बढ़ करके 1.75 करोड़ हो गए। कितनी हो गई? 1.75 करोड़, यानी कि 1 करोड़ और 75 लाख रुपए। मैंने सेल की है 2 करोड़ की, कॉस्ट हो गई हमारी 1.75 करोड़। इट मीन्स जो प्रॉफिट आया होगा वो क्या होगा? 25 लाख। अगर हम देखें तो जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? 25 लाख, ठीक है। अगर मैं समझूं कि माना कि मेरी कॉस्ट तो यही आ रही है, मगर जो मेरी सेल है वो सेल 2 करोड़ नहीं हो करके 1.90 करोड़ हो गए, तो भी इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? प्रॉफिट के ऊपर पड़ेगा। कैसे? 1.90 करोड़ आपकी सेल है, 1.5 अगर आपकी कॉस्ट आ रही है, इट मीन्स जो प्रॉफिट है वो अब कितना हो गया? 40 लाख हो गया इसकी तुलना में। तो यानी कि जो डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ा वो किसके ऊपर पड़ा है? प्रॉफिट के ऊपर पड़ा है। और समझें, माना कि जो मेरी लेबर की, मटेरियल की कॉस्ट तो 50 लाख आ रही हैं, मगर जो लेबर की कॉस्ट है वो 50 लाख के बजाय माना कि 60 लाख हो गई। लेबर कॉस्ट मेरी बढ़ गई 10 लाख रुपए से, ठीक है। तो अगर लेबर कॉस्ट माना कि 10 लाख बढ़ गई हैं, तो यानी कि 50 प्लस 60 प्लस 50, और इसके माना कि वही कॉस्ट है, तो यहाँ पर जो आपकी कॉस्ट होगी वो 1.50 की बजाय क्या हो जाएगी? 1.60 करोड़। क्या हो जाएगी? 1.60 करोड़। यानी कि अगर मैं देखूँ यहाँ पर जो मेरी सेल थी वो थी माना कि 2 करोड़, 2 करोड़ में से अगर कॉस्ट मेरी बढ़ गई 1.6, इट मीन्स जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? 40 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। तो यानी कि हमने देखा है कि जो ये फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स का प्रॉफिट के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया, अगर उसमें से कुछ भी चेंज होता है, कम या ज़्यादा होता है, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? हमारे प्रॉफिट के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। तो ये बिजनेस व्यूज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमारा स्टैंडर्ड हमने डिसाइड किया था कि माना कि हमारे सेल्स प्रॉफिट अर्न करना हमारे को 40 लाख 50 लाख समझा था हमने, सेल्स हमारे को करनी होगी 2 करोड़ की, हमारी कॉस्ट जो आएगी माना कि 1.5 करोड़ हमने एग्जाम्पल लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स है उसके अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, हमारी कॉस्ट इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है इसीलिए, और उसके अकॉर्डिंग हमने जब कंपैरिजन देखा था तो हमारी जो सेल्स थी वो 1.5 कॉस्ट है, तो प्रॉफिट हमारा आया था 50 लाख का। कितना आया था? 50 लाख का, ठीक है। अगर माना कि इन फैक्टर्स में, इन एलिमेंट्स में से अगर किसी में भी कोई चेंजेस होता है, कोई भी इंक्रीज डिक्रीज होता है, कोई भी कॉस्ट में कमी या वृद्धि होती है, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? हमारे प्रॉफिट के ऊपर पड़ता है।
क्लियर है। तो यानी कि एक तरह से जो हम स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, जो बजट बनाते हैं, और एक चीज़ भी ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जो भी हम बजट बनाए वो 100% सही हो ये जरूरी नहीं है। जो बजट बनाए जाते हैं उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आते हैं, वेरिएंस आते हैं, कोई भी कमियां वृद्धि जरूर होती हैं। तो उन कमियां वृद्धि का हमारे को क्या करना है, पता लगाना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स में किस क्या क्या कमी आई है, क्या तो उन कमी के कारणों का हमारे को पता लगाना और उसके ऊपर हमारे को कार्यवाही करना, सुझाव देना और कमी के कारणों का पता लगाकर उसके ऊपर कार्यवाही करना, ये है आपकी पूरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्लियर? यानी कि जो हमने स्टैंडर्ड बनाया है उन स्टैंडर्ड को प्राप्त करने के लिए डे टू डे हमारे को क्या करनी होगी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। और अगर उन स्टैंडर्ड को प्राप्त करने में जो हमने स्टैंडर्ड बनाया है उनको रिसीव करने में जो भी कमी या वृद्धि होती है उनके कारणों का पता लगाकर नेक्स्ट ईयर जब भी हम वापस बजट बनाएंगे या हम उम्मीद रखेंगे, एक्सपेक्टेशन करेंगे, अपना स्टैंडर्ड बनाएंगे, तो उन कमियों को वापस दोबारा नहीं दोहराना है, उन कमियों का पता लगाकर उसके ऊपर हमारे को काम करना होता है। यही हमारा क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। क्योंकि जैसे माना कि हमें समझे तो फाइनेंशियल ईयर के अंदर माना कि किसी वर्ष से इस साल मेरे को जो मैंने उम्मीद की थी माना कि 50 लाख की प्रॉफिट अर्न करने की, और मेरे को जो प्रॉफिट होता है वो होता है माना कि 40 लाख का, तो जो 10 लाख रुपए का जो डिफरेंस आया है वो 10 लाख रुपए का डिफरेंस किस वजह से आया है उसका मेरे को पता लगाना है, ताकि अगले साल जब मैं एक स्टैंडर्ड बनाऊँ तो उस स्टैंडर्ड को मैं अचीव कर सकूँ। यही क्या माना जाता है, आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मानी जाती है। ठीक है, अब इसका मीनिंग लिखते हैं हम, प्रमाप लागत स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, प्रमाप लागत किसी भी उत्पाद की प्रमाप लागत किसी भी उत्पाद की या सेवा की एक इकाई प्रमाप लागत किसी भी उत्पाद की या सेवा की एक इकाई या अधिक इकाइयों की या अधिक इकाइयों की पूर्व निर्धारित लागत होती है। यानी कि क्या है, पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं, स्टैंडर्ड बना देते हैं कि हमारी इतनी इतनी कॉस्ट आनी चाहिए, वही मनी क्या मानी जाएगी, प्रमाप लागत मानी जाएगी, जो भी इकाई हम प्रोड्यूस करेंगे उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अब आपकी प्रमाप लागत विधि। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड प्रमाप लागत विधि से आशय प्रमाप लागतों की रचना
एवं उनका प्रयोग उनका प्रयोग वास्तविक लागतों से उनकी तुलना वास्तविक लागत प्रमाप लागत विधि से ऐसे प्रमाप लागतों की रचना एवं उनका प्रयोग वास्तविक लागतों से उनकी तुलना तथा विधियों के कारण और प्रभावित बिंदु के विश्लेषण करने से यानी कि प्रमाप लागत विधि से ऐसे प्रमाप लागत की रचना और उनका प्रयोग क्या करना हमारे को वास्तविक। जब तक हमने अभी हमने समझा था कि जो हमने स्टैंडर्ड बनाया है उनका अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस से हम कंपैरिजन नहीं करते हैं तब तक जो स्टैंडर्ड हमने बनाया उनका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो उनका प्रयोग वास्तविक लागतों से उनकी तुलना करना तथा विधियों के कारण और प्रभावित बिंदुओं के विश्लेषण करने से है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, विचरण एवं विचरण विश्लेषण। वेरिएंस एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस किसके ऊपर करेंगे? जो भी हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया है उनमें जो भी कमी या वृद्धि होती है, इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो उसका हमारे को क्या करना होता है? एनालिसिस करना होता है। इट मीन्स प्रमाप लागत एवं वास्तविक लागत प्रमाप लागतें एवं वास्तविक लागतों में जो डिफरेंस होता है का अंतर विचरण कहलाता है, ठीक है। अभी हमने देखा था अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट में और एक्चुअल कॉस्ट में जो भी हम कंपैरिजन देखते हैं उसका जो भी स्टैंडर्ड बनाया है तो हम उसका कंपैरिजन किससे करते हैं? एक्चुअल से करते हैं। तो जो भी उनमें डिफरेंस आता है, वेरिएंसेस होते हैं, उसको हम भी क्या बोलते हैं? वेरिएंस बोलते हैं, विचरण बोलते हैं, ठीक है। और एवं अंतर के कारणों का पता लगाकर उन पर सुधारात्मक कार्यवाही करना विचरण विश्लेषण कहलाता है।
ठीक है। तो अभी हमने समझा था इसका बेसिक कंसेप्ट, तब भी हमने यही देखा था कि जो स्टैंडर्ड हम बनाते हैं उसका कंपैरिजन हमारे को किससे करना होता है, एक्चुअल से करना होता है, यानी कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो भी आ रही है उसका जो कंपैरिजन करना होगा वो एक्चुअल कॉस्ट से करना होगा। तो उसमें जो भी डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोलेंगे, वेरियंस विचरण बोलते हैं। और वो डिफरेंस किन कारणों से आया है उन कारणों का हमारे को क्या करना होता है, पता लगाना है। और जो भी कारण रहे हैं, जो भी कमियाँ रही हैं, उन कमियों को दूर करना, उनके ऊपर सुधारात्मक कार्यवाही करना, उन कमियों को दूर करने के लिए जो भी कार्यवाही की जाती है या जो भी हम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, विचरण विश्लेषण करते हैं कहते हैं, ठीक है। एनालिसिस करना ही वो क्या माना जाता है, आपका एनालिसिस ऑफ वेरियंस माना जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गई आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बेसिक कंसेप्ट की बात, जो अभी तक हमने समझा है। अब अगर हम अपने कोर्स ऑफ व्यू से देखें तो हमारे जो कोर्स में हैं वो सिर्फ दो वेरिएंसेस हैं, जो हमने अभी प्रॉफिट के जो फैक्टर्स देखे थे उसी को हम बोलते हैं, जिसमें तीन फैक्टर्स थे, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। ओवरहेड्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था दो भागों के अंदर, जिसमें एक था आपके फिक्स्ड ओवरहेड्स और दूसरा था आपके वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है। मगर आपके कोर्स में एक तो मटेरियल है और दूसरा लेबर है, यानी कि हम दो के बारे में इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे, बाकी आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। अब आगे अगर हम देखें विचरणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस को हम कितने भागों में बांटते हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट आता है आपके मापन के आधार पर, मापन के आधार पर हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है निरपेक्ष विचरण, जिसको हम बोल सकते हैं निरपेक्ष मिश्रण का मीनिंग क्या होता है, तमाम लागत और वास्तविक लागत का जो मौद्रिक डिफरेंस होता है वही आपका क्या माना जाता है, निरपेक्ष विचरण माना जाता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट वेरिएंस। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वेरिएंस, यानी कि प्रमाप लागत, स्टैंडर्ड कॉस्ट, उसका कंपैरिजन हम करेंगे एक्चुअल कॉस्ट से। इस पूरे लेसन के अंदर हमारे को यही चीज़ें पढ़नी है, स्टैंडर्ड का एक्चुअल से कंपैरिजन करना, पूरा लेसन यही बताता है हमारे, सीधा सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वेरिएंस या निरपेक्ष विचरण, इसका मीनिंग यही है कि अगर प्रमाप लागत का हम एक्चुअल कॉस्ट यानी कि वास्तविक लागत से जो हम तुलना करेंगे, यानी कि जो डिफरेंस होगा वो कौन सा, मौद्रिक अंतर, ठीक है, वही क्या माना जाएगा, आपका निरपेक्ष विचरण माना जाएगा। दूसरा था आपका इसी के अंदर सापेक्ष विचरण, दूसरा क्या है आपका सापेक्ष विचरण, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेरिएंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेरिएंस। यदि वास्तविक लागत
और प्रमाप लागत के अंतर को हम परसेंटेज में अगर हम ज्ञात करते हैं कि कितने परसेंट डिफरेंस आया है, तो जो परसेंटेज में हम अगर इसका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो वही हमारा क्या माना जाता है, सापेक्ष विचरण माना जाता है। ठीक है, पहले भी हम निरपेक्ष में हमने देखा कि जो भी प्रमाप लागत स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसका हमारे को कंपेरिजन करना होता है एक्चुअल कॉस्ट का, किसमें मौद्रिक डिफरेंस जो भी होता है उसको हम लिखते हैं, डिनोट करते हैं किसमें, निरपेक्ष विचरण के अंदर, एब्सोल्यूट वेरिएंस के अंदर। और जो डिफरेंस आया है उस डिफरेंस को अगर हम परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट करते हैं तो वो जो वैल्यू कहलाती है वो आपकी सापेक्ष विचरण रिलेटिव वेरिएंस कहलाती है। क्लियर? फिर आता है आपके नंबर दो, परिणाम के आधार पर। परिणाम के आधार पर अगर हम देखें तो इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है आपका अनुकूल विचरण और एक होता है आपका प्रतिकूल प्रतिकूल विचरण। ठीक है, अनुकूल विचरण को हम बोलते हैं कि फेवरेबल वेरिएंस, क्या बोलते हैं, फेवरेबल, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। यानी कि अनुकूल या फेवरेबल विचरण वो ही माना जाता है जब अगर हमने जो स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी जो हमने एक पहले से स्टैंडर्ड डिसाइड किया था, वह स्टैंडर्ड कॉस्ट उसका जब हम कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल कॉस्ट से, कंपैरिजन हमेशा किससे होगा, एक्चुअल से होगा। ठीक है, तो अगर हम स्टैंडर्ड जो कॉस्ट हमने डिसाइड की है उसका अगर हम कंपैरिजन करेंगे किससे, एक्चुअल कॉस्ट से, और कंपैरिजन करने के बाद में जो हमने स्टैंडर्ड बनाया था अगर वो एक्चुअल कॉस्ट उस स्टैंडर्ड से कम आती हैं, तो जो डिफरेंस माना जाएगा, जो विचरण माना जाएगा, वो माना जाएगा हमारा अनुकूल विचरण। क्या माना जाएगा, अनुकूल विचरण। समझना स्टूडेंट्स, जो स्टैंडर्ड हमने डिसाइड किया था, बनाया था, प्रमाप लागत जो हमने निर्धारित की थी उसकी तुलना हमारे को करनी होगी वास्तविक लागत से, और जो प्रमाप लागत हमने निर्धारित की थी और वास्तविक लागत अगर उससे कम आती है, ठीक है, तो जो वास्तविक लागत अगर कम आती है तो दोनों का जो भी डिफरेंस है वो प्लस में आता है, तो वो क्या माना जाएगा, आपका फेवरेबल। और अगर वो डिफरेंस माइनस में आ जाता है तो वो माना जाएगा आपका प्रतिकूल विचरण, जिसको हम बोलते हैं एडवर्स जिसको हम डिनोट करेंगे ए से। जब हम सवाल करेंगे तो उसमें हमारे को लिखना होगा कि अगर प्लस में अगर कोई वैल्यू आती है तो वो फेवरेबल माना जाएगा जिसको हम डिनोट करेंगे एफ से, और अगर माइनस में आती है तो वो एडवर्स माना जाएगा जिसको हम डिनोट करेंगे ए से। ये है आपके परिणाम के आधार पर। फिर आता है आपके नंबर तीन, नियंत्रण योग्यता के आधार पर। नियंत्रण यानी कि कंट्रोलेबल के आधार पर, तो यानी कि किसी को हम कंट्रोल करना हमारे हाथ में होता है और कोई कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं होता है, तो इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है आपके नियंत्रणीय विचरण कंट्रोलेबल वेरिएंस को हम बोलते हैं, और एक है आपके अनियंत्रणीय विचरण। अनियंत्रणीय विचरण, ठीक है, यानी कि नाम से हमारे को पता चल रहा है वह विचरण, यानी कि जो भी डिफरेंसेस आते हैं उन डिफरेंसेस को दूर करना किस वजह से आया है, अगर वो हमारे बस में है, हमारे हाथों में है, और अगर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो वो तो कहलाएंगे आपके कंट्रोलेबल वेरिएंस, नियंत्रणीय विचरण, और जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो वो कहलाएंगे आपके अनियंत्रणीय विचरण। ठीक है, जैसे
अनियंत्रित विचरण का अगर हम देखें तो सरकारी नीति या मौद्रिक नीति के कारण अगर कोई वेरियंसेस आते हैं तो उसको हम शामिल करेंगे किस में, अनियंत्रणीय विचरण के अंदर हम शामिल करेंगे। ठीक है, आगे अगर हम देखें नंबर चार, नंबर चार पे अगर हम बात करें तो वो आता है आपके क्रियात्मक आधार पर। ठीक है, क्रियात्मक आधार पर हम देखें तो इसको पहले हम बांटते हैं उत्पादन, लागत, विचरण। किसमें बांटते हैं, फर्स्ट उत्पादन, लागत, विचरण, प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएंस। फर्स्ट क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएंस। तो प्रोडक्शन की कॉस्ट अभी हमने देखा था, जो भी कॉस्ट थी उसको हमने तीन भागों में डिवाइड किया था, एक आपकी मटेरियल की कॉस्ट, दूसरी है आपकी लेबर की कॉस्ट और तीसरी थी आपकी ओवरहेड की कॉस्ट। ठीक है, तो इसके जो उत्पादन लागत विचरण है तो उसको भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं, एक तो मटेरियल, दूसरा है आपका लेबर और तीसरा आता है आपका ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, इसको हम तीन भागों में बांटते हैं, एक तो है आपका मटेरियल, दूसरा है आपका लेबर, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, और सीधा जो आपका ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, इन तीन भागों में बांटते हैं, जैसा कि हमने पहले भी देखा था बिजनेस का जो मोटिव था प्रॉफिट अर्न करना, उसको हमने देखा था कि सबसे पहले हमारे को क्या है, रेवेन्यू कितनी कलेक्ट करनी है और हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, उस कॉस्ट को हमने तीन भागों में डिवाइड किया था, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। ठीक है, तो वही हमारी है प्रोडक्शन कॉस्ट वेरियंस, कि प्रोडक्शन जब हम करेंगे तो हमारी कॉस्ट क्या क्या आएगी, उसके कौन से एलिमेंट है, तो तीन एलिमेंट्स हैं आपके, एक तो मटेरियल है, दूसरा लेबर और तीसरा ओवरहेड्स है। ठीक है, और उसके बाद नंबर दो आता है आपके विक्रय विचरण, सेल्स वेरियंस। सेल्स वेरियंस जैसे कि हमने देखा था जब चार्ट बनाया था तब भी हमने देखा था कि जो प्रॉफिट अर्न करना, तो उसके लिए रेवेन्यू कितनी कलेक्ट करनी होगी, वो रेवेन्यू का मतलब ही क्या होता है हमारा, सेल्स, यानी कि जो भी सेल्स के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे वो आएगा आपके सेल्स वेरियंसेस के अंदर। ठीक है, अब ये हो गया आपके क्रियात्मक आधार पर, जिसको हमने बांट दिया उत्पादन लागत विचरण और विक्रय विचरण, सेल्स वेरियंस, प्रोडक्शन कॉस्ट वेरियंस और सेल्स वेरियंस। तो अभी मैंने बताया था कि आपके कोर्स में बीकॉम पार्ट सेकंड एंड थर्ड, जिसमें प्रोजेक्ट प्लानिंग में थर्ड ईयर में है और सेकंड ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग के अंदर है, जिसमें हमारे कोर्स में दोनों के अंदर ही सिर्फ दो वेरियंसेज है, एक है आपकी मटेरियल वेरियंस और दूसरा है आपका लेबर वेरियंस। ठीक है, अब हम इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, आगे जब हम मटेरियल वेरियंस या लेबर वेरियंस स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।